नमस्कार दोस्तों, रेस क्वेश्चन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य की नीति निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को निर्धारित किया गया है। आज हम इसके परिचयात्मक भाग का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर नोट किया गया है, और इस पर हम चर्चा करके इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को क्यों भारतीय संविधान में रखा गया है, इसके क्या महत्व हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इत्यादि सभी बिंदुओं पर। और इसके अगले क्लास में हम इसके संवैधानिक रूप से जो भी अनुच्छेद के माध्यम से प्रावधान किए गए उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग आज के इस लेक्चर में इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि इसमें आज के हम टॉपिक में पृष्ठभूमि, परिभाषा, विशेषताएँ, वर्गीकरण और अंतर, अंतर का मतलब मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व के बीच में क्या अंतर है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। पृष्ठभूमि, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग चार में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51, भाग चार के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। यानी कि नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग चार में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में उल्लेख किया गया है, और इसके संदर्भ में ये बताया गया है कि नीति निदेशक तत्व भारत के शासन में मूलभूत है, जिसे राज्य और सरकार से संविधान के द्वारा पूरा करने की अपेक्षा की गई है। एक्चुअली इसके पृष्ठभूमि पर अगर चर्चा किया जाता है तो इस बात को जानना आवश्यक है कि जब भारतीय संविधान को लागू किया जा रहा था तो उस समय भारत के समक्ष कई प्रकार की समस्याएं थी, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेजों से गुलामी से आज़ादी मिली थी, और वैसे समय में भारत के समक्ष कई समस्याएं, चाहे क्षेत्रीय समस्याएं थी, भाषा की समस्याएं थी, गरीबी की समस्याएं थी, बेरोजगारी की समस्याएं थी, देश में विविधता बहुत ज़्यादा थी, भारत में संसाधनों का विकास नहीं हुआ था। तो वह सुविधाएं, वह व्यवस्थाएं जो राज्य सरकार के द्वारा उस समय प्रदान किए जा सकते थे, उसे राज्य के नीति निदेशक तत्वों में नहीं बल्कि मौलिक अधिकार के सेक्शन में शामिल कर दिया गया, क्योंकि मौलिक अधिकार व्यक्ति के भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत होने के कारण से प्राप्त हो जाते हैं स्वतः, जबकि नीति निदेशक तत्व से अपेक्षा की गई थी कि इसके माध्यम से राज्य जो है इन प्रावधानों को व्यवहार में लागू करने का प्रयास करेगा, क्योंकि नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत एक निर्देश दिया गया था यहाँ के राज्य की व्यवस्था को, यहाँ की सरकार को, कि वह संविधान के इन प्रावधानों को व्यवहार में लागू करे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो अपेक्षाएं की गई थी, जो जीवन यापन के लिए मूलभूत थी परंतु उस समय उसे प्रदान नहीं किया जा सकता था, उसे नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत शामिल किया गया। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यवस्थाएं सरकार उस समय देने में सक्षम थी, सामर्थ्य थी, उसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत, और जिन भी व्यवस्थाओं की अपेक्षा की गई कि इसे व्यक्तियों को देना चाहिए उनके विकास के लिए, उनके जीवन यापन के लिए, परंतु वो उस समय संभव नहीं थे, तो उन्हें नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत रख दिया गया, और संविधान तथा राज्य से ये अपेक्षा की गई कि वह सरकार जो है इन्हें भविष्य में लागू करने का प्रयास करेगी। तो इस तरीके से इसकी पृष्ठभूमि इस रूप में भी बनाई गई थी। अब परिभाषा के अंतर्गत अनुच्छेद 37 के अंतर्गत ये कहा गया है कि नीति निदेशक तत्व तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यहां पर एक शब्द आता है परिवर्तनीय, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, परंतु फिर भी शासन में मूलभूत है तथा राज्यों सरकार के द्वारा इन संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने और क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। यह इसकी महत्वपूर्ण विशेषता और परिभाषा। परिवर्तनीय का तात्पर्य है कि अगर कोई भी व्यवस्था है जो लागू नहीं हो रहा है, अगर हम न्यायालय जाते हैं और न्यायालय के द्वारा निर्देश पर वो लागू हो जाता है तो वो व्यवस्था परिवर्तनीय कहलाती है, लेकिन इसके संदर्भ में ये कहा गया है कि ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, फिर भी शासन में मूलभूत होगा और इसे लागू करने का प्रयास यहाँ की राज्य और यहाँ की सरकार के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ये शासन के लिए मूलभूत है, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने से संबंधित है। तो इस तरीके से इसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया कि आज तुम इसका क्या नेचर है। अभी हम परिभाषा विशेषताओं को भी देखने का प्रयास करेंगे। इस तरीके के
व्यवस्था है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भी जो है व्यवस्था किया गया था, वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत शामिल अनुदेश था। और यह जो नीति निदेशक तत्व तो है वह उन अनुदेशों के समान था, वह इन अनुदेशों के समान था, अनुदेशों के समान था। और इन अनुदेशों को वहां के गवर्नर जनरल और गवर्नर, विभिन्न राज्यों के गवर्नर के द्वारा इसे क्रियान्वित और लागू करने का प्रयास किया जाता था। क्योंकि आपको पहले ही बताया गया कि भारत का जो संविधान है वो विभिन्न देशों के संविधान तथा भारत में पूर्व में चली आ रही व्यवस्थाओं के अध्ययनोपरांत बनाया गया है। तो इस पर भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव था और यहाँ पे भी इस तरीके के अनुदेश दिए गए थे। तो ये देखा जाए कि एक के अंतर्गत अनुदेशों, इसकी विशेषता थी 1935 के शासन में जो भी व्यवस्थाएं दी गई थी उसके अनुदेशों के ये समान था। इसी तरीके से ये कानून के लिए अगर देखा जाए तो ये नीतियों के लिए संदर्भ का कार्य करते हैं, नीतियों के लिए संदर्भ का कार्य करते हैं, नीतियों के लिए संदर्भ का कार्य करने का तात्पर्य क्या है कि अगर कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो उसके लिए रेफरेंस का काम करेंगी कि इसके अंतर्गत जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उन व्यवस्थाओं को भी उन पॉलिसीज में शामिल करने का प्रयास किया जाए जो कि नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए संवैधानिक भावना को पूरा करने से संबंधित होगा। तो इस तरीके से ये नीतियों के लिए रेफरेंस का काम करती हैं। और एक चीज यहाँ पर बता दिया गया, इसकी विशेषताओं पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये परिवर्तनीय नहीं, जैसा कि पूर्व में भी बताया गया, तो ये परिवर्तनीय नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि ये राज्य और सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो इसको लागू करने का प्रयास करे, परंतु कोई सरकार यदि इसे किसी समय पर लागू करने में सफल और सक्षम नहीं होती तो हम इसको लागू करने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये परिवर्तनीय नहीं है। और इसी के साथ साथ अगर इसको देखा जाए, ये कानूनों की व्याख्या करने में जो है, कानूनों की व्याख्या करने के संदर्भ में भी जो है मदद करता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि समय समय पर न्यायालय के द्वारा नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कई बार टकराव की स्थिति आई और व्याख्या किया गया, लेकिन चूंकि नीति निदेशक तत्व में अपेक्षा की गई थी सरकार से कि वह इसको पूरा करने का प्रयास करे, तो इसको भी ध्यान में न्यायालय के द्वारा भी रखा जाता था। और 39(b) और (c) के अंतर्गत किए गए प्रावधानों को, जैसा कि पूर्व में भी बताया गया है, उसको लागू करने के लिए कुछ सहूलियत दी गई है कि अगर वह कुछ हद तक मौलिक अधिकार से टकराव की स्थिति में आता है तो भी 39(b) और (c) जो कि लोगों के वेतन, उनके जीवन यापन, उनके असमानता को कम करने से संबंधित है, को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है और वह अवैध नहीं होगा। तो इस तरीके से देखा जाए कि कानून की व्याख्या करने में भी जो है, कानूनी व्याख्या में भी यह मदद करता है, ये इसकी विशेषता है। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना इसके माध्यम से किया जाता है। इसलिए क्योंकि आने वाले अभी अनुच्छेद में हम लोग ये देखेंगे कि यह किस तरीके से लोगों की शिक्षा के लिए, लोगों की समानता के लिए, श्रमिकों की जीवन यापन के लिए और इसी तरीके से उनको कानूनी सहायता के लिए, असमानता को कम करने के लिए, संसाधनों के वितरण के इत्यादि चीजों से संबंधित हैं, जो कि निदेश के रूप में है, जो कि कानून में शामिल करने के लिए राज्य को निर्देश देते हैं, जो कि कल्याणकारी कार्यक्रमों को बनाने के लिए कार्यक्रम करते हैं। और ये सभी चीजें व्यक्ति के आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति से संबंधित है और इसीलिए ये है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा विशेषताओं के अंतर्गत कि 1935 से भी इसके रूट मिलते हैं, इसकी जड़ें मिलती हैं। यद्यपि राज्य की नीति निदेशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से यहाँ पर लिए गए हैं, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व तो को आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन इसकी विशेषताएं जो हैं और इसके प्रावधान जो हैं उसी तरीके से हैं जैसा कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो कि अनुदेशों के रूप में शामिल किए गए थे और जिसका क्रियान्वयन गवर्नर जनरल और विभिन्न प्रकार के प्रांतों के गवर्नर के द्वारा इसमें
किया जाना था। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, क्योंकि इसके संदर्भ में कई बार परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, मेंस के लेवल पर भी पूछे जाते हैं, और प्रारंभिक परीक्षा में इससे संबंधित कई विशेषताएं दी जाती हैं और उसमें ये बताना होता है कि इसमें कौन सा नहीं है। तो इस तरीके से इन विशेषताओं को समझ लेने से नीति निर्देशक तत्वों के भाव और उसके प्रावधान को समझना आसान हो जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक हमने बनाया है, ये बिंदु बनाया है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण को भी समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि भारत में जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कई प्रकार के विषय और प्रावधान किए गए हैं, वो कई प्रकार की विचारधाराओं से संबंधित हैं, इसलिए इसका वर्गीकरण हम लोग यहाँ पर करते हैं। पहला इसमें है समाजवादी। कुछ इसमें ऐसे तत्व हैं जो समाजवादी स्वरूप के हैं, कुछ इसमें ऐसे तत्व हैं जो समाजवादी स्वरूप के हैं, और कुछ ऐसे तत्व हैं जो गांधीवादी, गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इन्होंने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, समय समय पर जो भी क्रियान्वयन होते थे, जो भी प्रावधान होते थे, उस पर इनकी विचारधारा का प्रभाव था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया, गो रक्षा पर इन्होंने बल दिया, इसी तरीके से उद्योगों में, कुटीर उद्योगों पर इन्होंने ज्यादा बल दिया। तो इस तरीके से इनकी जो व्यवस्थाएं थी, जो इनकी सामाजिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, बहुत ही सहज सरल और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, और इनके भी विचारधारा को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल किया गया, और राज्य से यह अपेक्षा की गई कि इसे वह व्यवहार में लागू और क्रियान्वित करने का प्रयास करें। तो इसी तरीके से कुछ उदारवादी किस्म के हैं, उदारवादी और अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय ये चार प्रकार के वर्ग हैं, जिसमें समस्त नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान समाहित हैं। क्योंकि भारत की जो जरूरतें थी वो विविध प्रकार की थी, इसलिए लगभग कई प्रकार की विशेषताओं को नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 38, 49, 49 का, और इसी तरीके से 41, 42, 43, ये अनुच्छेद हैं जो समाजवादी प्रकार की व्यवस्थाओं को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल करते हैं। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 40, 43 और 46, ये अनुच्छेद हैं जो इस प्रकार की व्यवस्थाओं को लागू करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। इसी तरीके से उदारवादी जो व्यवस्था के अंतर्गत है 44 है, 45 है, इसके बाद 47 है, 48 है, 48 ए है, 49 है और 50 है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय भावना के अनुरूप 51, इस तरीके से भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों में जो विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों को इन चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, और इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं के व्यवस्थाओं को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल करके राज्य एवं सरकार से ये अपेक्षा की गई है कि वह इसे व्यवहार में लागू करने का प्रयास करे। तो आप लोगों ने वर्गीकरण के अंतर्गत इन चीजों को देखा, और अगले क्लास में हम लोग
ये चारों प्रकार की व्यवस्थाओं में जो संवैधानिक प्रावधान है उसको देखेंगे। आज हम यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत एक इसके परिचयात्मक भाग को, पृष्ठभूमि को, परिभाषा को, विशेषताओं को, वर्गीकरण और अंतर, अभी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदु और बचा हुआ है अंतर। अंतर में हम नीति निर्देशक तत्वों का मौलिक अधिकार के साथ में क्या अंतर है उस बात को समझने का प्रयास करेंगे। पहला अंतर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है और नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है और नीति निर्देशक तत्व तो परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय के संदर्भ में हम लोगों ने यह बता दिया कि इस तरीके से परिवर्तनीय होता है कि कोई ऐसा प्रावधान जो लागू नहीं किया जा रहा है, चाहे वो सरकार के स्तर से या राज्य के स्तर से या किसी संगठन के स्तर से विभाग के द्वारा, तो व्यक्ति उसे न्यायालय जा सकता है और न्यायालय के द्वारा उसे लागू करवाया जा सकता है, उसे परिवर्तनीय कहा जाता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे भाग को देखें तो ये आपके राजनीतिक लोकतंत्र, ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और यह जो है सामाजिक प्लस आर्थिक, अभी जैसे कि पूर्व में उसकी विशेषताओं पर चर्चा करते समय हम लोगों ने देखा, यह राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके माध्यम से व्यक्ति को राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में राज्य से जो है उसको विभिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। और यह जो व्यवस्था है नीति निर्देशक तत्वों की, इसके अंतर्गत इसमें व्यक्ति की असमानता को कम करने, उसके आय को प्राप्त करने, उत्पादन के साधनों की बात की गई है, शिक्षा की बात की गई है, तो कुल मिलाकर के इसे अगर देखा जाए तो ये जो व्यवस्था है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की यहाँ पर स्थापना करता है। इसी तरीके से यह व्यक्ति के लिए होता है, ये व्यक्तिगत है। किसी भी व्यक्ति को अगर स्वतंत्रता या प्राणियों दैहिक स्वतंत्रता या इसी तरीके से कहीं पर यात्रा करने की बात है, इसी तरीके से विचार व्यक्ति की बात है, कहीं पर धार्मिक स्वतंत्रता, तो कुल मिलाकर के यह मौलिक अधिकार की जो व्यवस्था है वो व्यक्तिगत है और यह सामुदायिक है, यह सामुदायिक व्यवस्था है। कहने का तात्पर्य है कि यह जो व्यवस्था है वो अगर राज्य के द्वारा इसको क्रियान्वित करने का प्रयास नीति निर्देशक तत्वों को किया जाता है तो वो संपूर्ण समाज के लिए लाभदायक होगा। तो इस तरीके से ये व्यक्तिगत है, ये सामुदायिक है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार राज्य को कोई भी कार्य करने से रोकता है, क्योंकि यह राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को अधिकार दिया गया है, इसीलिए इसे नकारात्मक भी कहा जाता है। राज्य के लिए यह नकारात्मक होता है, जबकि नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से यह राज्य और सरकार को अधिकार प्राप्त होता है कि वह कुछ कार्य प्रणाली व्यवहारिक स्तर पर करने का प्रयास करे, क्योंकि इसके अंतर्गत निर्देश दिया गया है, उस पर कानून बनाना, कल्याणकारी कानून बनाना, उसको क्रियान्वित करना, वो राज्य का कार्य और सरकार का कार्य होता है, तो इसलिए यह सकारात्मक होता है। इस तरीके से यह सकारात्मक होता है। मौलिक अधिकार के संदर्भ में है कि यह स्वतः लागू हो जाता है। मौलिक अधिकार के संदर्भ में यह व्यवस्था दी गई है कि यह स्वतः लागू हो जाता है, जबकि नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में यह व्यवस्था की गई है कि यह स्वतः लागू नहीं होता है, यह पहले वाली बात से भी जुड़ा हुआ है। इसके लिए सरकार को कानून बनाना पड़ता है, समय समय पर इसको क्रियान्वित करने के लिए सरकार को कानून बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने यह देखा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह बेसिक अंतर है कि यह परिवर्तनीय होता है, नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं होते हैं। मौलिक अधिकार के द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है, नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। इसी तरीके से मौलिक अधिकार व्यक्तिगत
कार्य होते हैं व्यक्तिगत अधिकार प्रदान करते हैं, जबकि सामुदायिक नीति निर्देशक तत्व तो सामुदायिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ होता है। राज्य के संदर्भ में मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं, क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति को राज्य के प्रति अधिकार प्रदान करते हैं। इसी तरीके से नीति निर्देशक तत्व तो सकारात्मक होते हैं और इसके माध्यम से राज्य को कुछ कार्य करने का अधिकार प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार स्वतः लागू हो जाते हैं और इसे लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से अंतर हम लोगों ने यहाँ पर यह देखा कि यहाँ पर पांच महत्वपूर्ण अंतर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है। समय समय पर भारतीय संविधान में संशोधन के माध्यम से कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं भी बनाई गई हैं, लागू किया गया है, कुछ अनुच्छेद को जोड़ा गया है जिसे आवश्यक समझा गया है कि ये समय के अनुसार जो है महत्वपूर्ण है। तो आने वाले समय में हम इसका डिटेल में चर्चा करेंगे और उन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसमें 39 का 43 का और 48 का इसे जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 39 का 43 का और 48 का जोड़ा गया है। इसी तरीके से 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें 38 2। यहां पर यह ध्यान एक चीज महत्वपूर्ण चीज बताया जा रहा है कि इसको समझना आवश्यक है कि जब हम ABCD जोड़ देते हैं तो वह एक नया अनुच्छेद बन जाता है, लेकिन इसमें जब पार्ट जोड़ा जाता है 1, 2, 3 तो वह अनुच्छेद नहीं, अलग से अनुच्छेद न बन करके वह उसी अनुच्छेद का एक पार्ट होता है। तो यह अनुच्छेद तो नहीं बनाया गया लेकिन इसमें एक व्यवस्थाएं अलग से इसमें जोड़ी गई, तो उसे पार्ट 2 के रूप में दिखाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बातें स्पष्ट होती हैं। 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 45 को निरस्त कर दिया गया और इसके स्थान पर 45 का बनाया गया। 45 का में वही व्यवस्थाएं दी गई हैं कि 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ साथ शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य प्रयास करेगा, क्योंकि पहले पूर्व में 6 से 14 वर्ष की आयु की बात कही गई थी। तो 6 से 14 वर्ष की आयु को अब इसी अनुच्छेद के माध्यम से 21 का के अंतर्गत मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इसलिए यहां पर इसे 45 को समाप्त कर दिया गया और एक नया 45 का बना दिया गया, जिसमें यह राज्य से अपेक्षा की गई कि वो 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा इत्यादि के संदर्भ में व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो समय समय पर देखा जाए तो ये तीन प्रकार से 39 का 43 का 48 का और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 38 खंड 2 और 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 45 को निरस्त करके 45 का को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत हम लोगों ने आज की इस लेक्चर में पृष्ठभूमि, परिभाषा, विशेषताएं, वर्गीकरण, अंतर और समय समय पर होने वाले संशोधन के माध्यम से इसमें जोड़े गए प्रावधानों पर चर्चा किया। आज की इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को मौलिक अधिकार के स्वरूप, विशेषताएं और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी और उम्मीद करता हूं कि इसके परिचयात्मक भाग से आप लोग बेहतर ढंग से परिचित हो गए होंगे। अगले क्लास में हम इसके संवैधानिक प्रावधानों के अगले और अंतिम भाग पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को एक नए दिशा में ले जाने का प्रयास कीजिए। पुनः आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।